हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। मेरा नाम है हिमांशु और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये वाला डांस। सुनी जो तेरी मुरली मुरली वो जुलमी ले मैं तेरी हवेचे आपने वीडियो देख लिया होगा। चलिए इसको सीखते हैं विदाउट वेस्ट टाइम, लेट्स गो। सो ये मेरी राइट साइड है, ये मेरी लेफ्ट साइड है, ओके। सो फर्स्ट अपन को देखो क्या करना है, अपने राइट वाले लेग को अपन को क्रॉस में स्टेप करना है, देन ओपन करना है वापस से, देन वापस से क्रॉस में स्टेप एंड वापस से ओपन, ओके। सो अपने राइट वाले लेग को अपन किस तरह से मूव करें, क्रॉस ओपन क्रॉस एंड ओपन, ठीक है। इसी के साथ अपन अपने दोनों हैंड्स को मूव करेंगे वन, ओके। सो वन में क्या कर रहा हूँ, मेरे राइट वाले हैंड को इस तरह से अपसाइड एकदम स्ट्रेट कर रखा हूँ एंड मेरे लेफ्ट वाले हैंड को इस तरह से मैं अपने लेफ्ट ईयर के पास में ला रखा हूँ, ओके, अपने लेफ्ट वाले हैंड को। सो ये वन हो जाएगा, देन टू में अपोजिट कर लेना है अपन को, अपना लेफ्ट वाला हैंड अब चला गया, राइट वाला हैंड इस तरह से बेंड हो गया, ओके। सो टू, देन वापस से थ्री एंड फिर वापस से, ओके। सो राइट अप, देन फिर लेफ्ट अप, देन वापस से राइट अप, देन वापस से लेफ्ट अप, ओके। सो इस तरह से अपन को फोर काउंट्स अपने हैंड्स के मूव करने अपने राइट वाले लेग के साथ, ओके, लेग के साथ करते हैं एक बार हैंड्स को 5 6 7 को, 1 2 3 4, ओके। फिर से देखो 5 6 7 को, 1 2 3 4 खत्म करा अपन ने, देन 5 में अपन को क्या करना है, अपने लेफ्ट वाले लेग को अपन को अपने राइट वाले लेग के पास में इस तरह से अपने टॉप पे स्टेप करना है, ओके। सो जैसे अपन ने 4 यहां खत्म करा, देन नीचे अपने लेफ्ट वाले लेग को राइट के पास में स्टेप करना है इस तरह से अपने टॉप पे एंड स्टेप के साथ अपन को क्या करना है, अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से राइट साइड में लाना है, ओके। अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से बांसुरी बनाना है, ओके। अपने दोनों हैंड्स को इस पोजीशन पे राइट साइड में ले आना है इस तरह से, ओके। सो ये हो गए 5 काउंट्स अपने किस तरह से, 1 2 3 4 and 5, ओके। 5 काउंट्स तक समझ में, 5 की अपन ने, देन फिर यहीं से अपन को क्या करना है, यहीं से अपन को 3 काउंट तक आगे की तरफ वॉक करना है इस तरह से, राइट लेफ्ट एंड राइट, ओके। सो अपन इस तरह से वॉक करेंगे, राइट वाला लेग फर्स्ट, देन लेफ्ट वाला लेग, देन फिर राइट वाला लेग, ओके। अब इसमें अपन इस तरह का ग्रुप रखेंगे इसमें, 1 2 3, ओके। सो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने राइट वाले लेग को इस तरह से अपने टॉप पे रख रहा हूँ, ओके। अपने राइट वाले लेग को आगे अपन को स्टेप करना है, स्टेप अपन किस तरह से करेंगे, अपने राइट वाले लेग को इस तरह से अपने टॉप पे रखेंगे, टॉप पे रखते हैं अपन को अपनी बॉडी को पूरी को इस तरह से अप करना है, देन ऐसे अपने लेफ्ट वाले लेग को अपन आगे टॉप पे रखेंगे, रखते ही अपनी बॉडी को इस तरह से अप लेके जाना, देन वापस से अपने राइट वाले लेग को टॉप पे रखते ही अप, ओके। सो इस तरह से अपन को आगे मूव होना है, राइट लेफ्ट एंड राइट, ओके। एंड इसी के साथ अपनी बॉडी को इस तरह से 1 2 3 इस तरह से मूव करना है, राइट लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। अब इसी के साथ अपन को अपने लेफ्ट वाले हैंड को तो अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखना है इस तरह से, ओके, एंड अपने राइट वाले हैंड को अपन को इस तरह से मूव करना है, 1 2 3, ओके। सो मैं अपने राइट वाले हैंड को 1 2 and 3 इस तरह से अपने राइट वाले हैंड को मूव करना है, ठीक है। सो जैसे अपन ने लास्ट खत्म करा यहाँ पे, देन इसे 1 2 3 खत्म करा, ओके, 3 खत्म किया, देन 4 में अपन को क्या करना है, 4 में अपने राइट वाले लेग को इस तरह से अपन को अप उठाना है, ओके, अपने राइट वाले लेग को इस तरह से अप उठाना है, देन नीचे अपने राइट वाले लेग को अपन को क्रॉस में स्टैप कर देना है, ओके, एंड स्टैप करके अपन को रोल करके फ्रंट आ जाना है, ठीक है, ये चीज समझ में। अब इसी के साथ अपन को अपने हैंड्स देखो किस तरह से मूव करने, अपने अपने हैंड्स लास्ट खत्म करें, 1 2 3 एंड देन जब अपन अपने राइट वाले लेग को अप उठाएंगे तो अपना दोनों हैंड्स इस तरह से जाएंगे राइट वाले लेग के पास में, बूम, ओके। देन फिर नीचे अपन अपने राइट वाले लेग को क्रॉस में स्टेप करेंगे, तो स्टेप करते हैं अपने दोनों हैंड्स इस तरह से जॉइन कर, ओके, यहाँ पे अपने दोनों हैंड्स, देन नीचे अपने राइट वाले लेग को क्रॉस में रखेंगे एंड अपन इस तरह से रोल करते हैं फ्रंट टाइम, ठीक है, समझ में, ओके। सो ये पूरा स्टेप इस तरह से हो जाएगा, देखो एक बार अपन स्टार्ट से कर लेते हैं यहाँ तक, ओके, 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5, देन नीचे 1 2 3 4 5, ओके। अपन ने 5 में रोल किया, रोल करके अपन फ्रंट आए, देन फ्रंट आते अपन को क्या करना है, अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से मूव करना है, हाँ, ओके, अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से मूव करना है राइट साइड में थोड़ा सा, ओके, राइट साइड में रखना है अपने दोनों हैंड्स को एंड अपन को अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से मूव करना है, ओके, सो बूम। सो जैसे अपन ने रोल करके फ्रंट आए, देन फ्रंट आते अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से मूव,
लिया अपने, देन इस तरह से करते ही अपन को क्या करना है, अपने लास्ट वाले लेयर को अपन को अपने टोपे इस तरह से ओपन कर लेना, ओके अपने टोपे अपने लास्ट वाले लेयर को ओपन कर लेना इसे, एंड ओपन के साथ ही वापस से अपने दोनों हैंड्स को इस पोजीशन पे ले आना है अपन को राइट साइड में, ओके अपने दोनों हैंड्स को वापस से अपन को राइट साइड में इस पोजीशन पे ले आना है अपने दोनों हैंड्स को, ओके सो जैसे अपन ने लास्ट ईयर खत्म करा देन ओपन, ओके अपने राइट वाले लेयर को अपन ने सॉरी अपने लेफ्ट वाले लेयर को अपन ने अपने टोपे ओपन किया, इसी के साथ अपने दोनों हैंड्स इस तरह से आए ओके राइट साइड में, एंड इसी के साथ अपन को क्या करना है अपने शोल्डर्स को इस तरह से मूव करना है 1 2 3, ओके सो मैं क्या कर रहा हूं अपने राइट वाले शोल्डर को बैक देन लेफ्ट वाले शोल्डर को बैक एंड राइट वाले शोल्डर को बैक, ओके सो इस तरह से अपनी बॉडी को मूव करना है 1 2 3, ओके 3 काउंट राइट लेफ्ट एंड राइट, ठीक है सो ये पूरा स्टेप इस तरह से हो जाएगा जैसे अपन ने खत्म करा 1 2 3, हा रोल देन नीचे हा देन 1 2 3, ओके 3 कांसेप्ट समझ में है, अपन ने लास्ट तक करा 1 2 3, ठीक है देन फिर यहीं से अपन को क्या करना है यहीं से अपने लेफ्ट वाले लेग को अपन को वापस से क्लोज करना है, अपने लेफ्ट वाले लेग को वापस से अपन को राइट के पास में रखना है एंड रखते ही अपने राइट वाले लेग को अपन को क्या करना है इस तरह से अप उठाना है, इस तरह से अप उठाना है अपने राइट वाले को एंड क्रॉस में स्टेप कर देना इस तरह से, एंड ऐसे ही अपने लेफ्ट वाले लेग को आपकी बार इस तरह से अप उठाना है एंड फिर अपने लेफ्ट वाले लेग को क्रॉस में स्टेप कर देना है, ओके समझ में, सो जैसे अपन ने लास्ट में करा 1 2 3, देन इसे अपने लेफ्ट वाले लेग को अपन राइट के पास में शिफ्ट करेंगे एंड शिफ्ट करते अपने राइट वाले लेग को अपन इस तरह से अप उठाएंगे एंड क्रॉस में स्टेप करेंगे एंड ऐसे अपने लेफ्ट वाले लेग को अपन इस तरह से अप उठाएंगे एंड क्रॉस में शिफ्ट करेंगे, ठीक है समझ में। अब इसी के साथ अपन को अपने हैंड्स देखो किस तरह से मूव करने, ठीक है अपने हैंड्स लास्ट खत्म हुए 1 2 3, देन जब अपन अपने लेफ्ट वाले लेग को क्लोज करेंगे तो अपने हैंड्स नॉर्मली डाउन होंगे, देन नीचे अपन जब अपने राइट वाले को उठाके एंड क्रॉस में स्टेप करेंगे तो अपने दोनों हैंड्स इस तरह से रोल होंगे एंड इस तरह से फ्रंट आएंगे, सो मैं दोनों हैंड्स को देखो किस तरह से रोल कर रहा हूं, रोल एंड फ्रंट अपने दोनों हैंड्स को, ओके सो रोल फ्रंट देन ऐसे अपने लेफ्ट वाले लेग के साथ भी अपन को करना है वापस से अपने दोनों हैंड्स इस तरह से रोल एंड फिर वापस से फ्रंट, सो इस तरह से अपने दोनों हैंड्स मूवेंगे रोल हा फिर से रोल हा, ओके लेग के साथ देखो ये किस तरह से होंगे जैसे अपन ने लास्ट में करा 1 2 3, देन इसे स्टेप किया देन इसे अप एंड हा देन अप एंड हा, ओके समझ में, फिर से देखो 1 2 3 खत्म करा लेफ्ट वाले लेग को क्लोज देन इसे राइट अप एंड स्टेप लेफ्ट अप एंड स्टेप, ओके अपन ने लेफ्ट वाले लेग को स्टेप कर दिया क्लोज में अपने दोनों हैंड्स यहां पे है देन यहीं से अपन को क्या करना है इसी पोजीशन पे अपन को रहना है एंड अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से ओपन करना है, ओके सो जैसे अपन ने अपने दोनों हैंड्स लास्ट यहां खत्म करे देन यहीं से अपने दोनों हैंड्स देखो इस तरह से रोल होंगे रोल एंड मेरा राइट वाला हैंड इस तरह से अप जाएगा लेफ्ट वाला हैंड डाउन जाएगा इस तरह से, ओके एंड इसी के साथ अपन को अपसाइड लुक करना है, ठीक है सो जैसे अपन ने खत्म करा 1 2 3 4 एंड रोल अप, इजी समझ में, फिर से देखो राइट क्रॉस लेफ्ट क्रॉस देन इसे अप, ओके अपन ने अप किया लास्ट पोजीशन अपनी ये आई, ओके देन फिर यहीं से अपन को क्या करना है यहीं से अपने लेफ्ट वाले लेग को अपन को क्या करना है स्टेप करना है अपनी जगह पे, ओके सो अपना लेफ्ट वाले लेग क्रॉस में यहीं से अपने लेफ्ट वाले लेग को अपन लेफ्ट साइड में स्टेप करेंगे स्टेप देन फिर अपने राइट वाले लेग को अपन उठा के स्टेप करेंगे स्टेप एंड वापस से अपने लेफ्ट वाले लेग को उठा के स्टेप करेंगे, ओके सो अपन को 3 काउंट क्या करना है लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट इस तरह से स्टेप 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 करना है, ठीक है अब मैं स्टेप के साथ क्या करूं अपने राइट सॉरी अपने लेफ्ट वाले लेग को जब मैं स्टेप कर रहा हूं तो स्टेप करते वक्त मैं क्या करूं अपने लेफ्ट वाले लेग को अपने टोप पे स्टेप कर रहा हूं इस तरह से फर्स्ट, ओके सो टोप पे रखते हुए अपन को क्या करना है वही चीज करनी है अपन को अपनी बॉडी को इस तरह से अप उठाना है, ओके देन ऐसे अपने राइट वाले लेग को अपन स्टेप करेंगे अपने टोप पे देन स्टेप करते हुए अपन को क्या करना है अप जाना है वापस इस तरह से अप देन वापस से अपने लेफ्ट वाले लेग के साथ भी यही करना है स्टेप करते अप, ओके सो ये कुछ इस तरह से हो गया लेफ्ट राइट लेफ्ट, ओके सो अपन को स्टेप करते अप होना है देन स्टेप करते अप होना है स्टेप करते अप होना है, सो अप अपन किस तरह से हो रहे हैं अपने टोज पे इस तरह से अप अप अप, सो कुछ इस तरह से होगा ये 1 2 3 समझ में आ रहा है, ओके अब इसके साथ अपन को अपने हैंड्स देखो किस तरह से मूव करने, सो जैसे अपने लास्ट कदम करा यहां से
रोल एंड आपके अपने हैंड्स राइट वाला लेफ्ट वाला हैंड डाउन है, अपन को लुक करना है अपसाइड. देन इसे अपन ने क्या किया, आपके लेफ्ट वाले को स्टेप, देन राइट वाले को स्टेप एंड लेफ्ट वाले को स्टेप. ओके एंड इसी के साथ अपन अपने हैंड्स मूव करेंगे 1, 2 एंड 3. ओके सो जैसे अपन ने लास्ट अपने हैंड्स यहां खत्म करे, देन यहीं से वापस से अपन को क्या करना है, अपने राइट वाले हैंड को इस तरह से अप करना है वापस से 1. ओके 1 में क्या कर रहा हूं मैं, अपने राइट वाले हैंड को इस तरह से अप कर लिया, लेफ्ट वाला हैंड इस तरह से बेंड हो गया. ओके सो लास्ट पोजीशन अपनी ये है, देन यहीं से अपन ने क्या किया वापस से 1, अपने राइट वाले हैंड को इस तरह से वापस से बेंड करके इस तरह से रोल करके वापस से अप लेके जाना है. ओके सो ये लास्ट यहां खत्म हुआ, देन यहीं से 1, देन फिर 2 में अपने लेफ्ट वाले हैंड को इसी तरह से आप लेके जाना है 2. ओके लेफ्ट साइड में अपने लेफ्ट वाले हैंड को 2 एंड फिर 3 में अपने राइट वाले हैंड को इस तरह से 3. ओके 3 में अपने राइट वाले हैंड को अपन इस तरह से डाउन साइड लेके जाएंगे. सो ये 3. ओके सो मैं क्या कर रहा हूं, जब अपने राइट वाले हैंड को इस तरह से आप लेके जा रहा हूं तो लेफ्ट वाला हैंड देखो इस तरह से बेंड है, मेरा राइट वाला हैंड इस तरह से आप बेंड, देन इसे अपने राइट वाले हैंड को अपन इस तरह से बेंड करेंगे, अपने लेफ्ट वाले हैंड को आप लेके जाएंगे. ओके देन इसे वापस से अपने राइट वाले हैंड को डाउन लेके जाएंगे, अपने लेफ्ट वाले हैंड को इस तरह से बेंड करेंगे. ओके सो ये 3 काउंट्स हो गए, राइट लेफ्ट एंड राइट, इस तरह से अपने हैंड्स को मूव करना. ठीक है समझ में. सो जैसे अपने लास्ट के बंदरा रोल हा रोल हा रोल एंड अप, देन इसे ये लेग्स के साथ कुछ इस तरह से होगा स्टेप 1, 2 एंड 3. ठीक है समझ में. फिर से देखो लास्ट अपन ने यहां खत्म करा, देन इसे लेफ्ट राइट लेफ्ट. ठीक है अपन ने लास्ट यहां खत्म करा. ओके देन फिर यहीं से अपन क्या करने, यहीं से अपने लेफ्ट वाले सॉरी अपने राइट वाले लेग को वापस से अपन को अपने टॉप पे स्टेप से अप उठाने. ओके सो अपने राइट वाले लेग को वापस से अपन को स्टेप करने आगे तक स्टेप और फिर अपने लेफ्ट वाले लेग को इसी तरह से स्टेप. ओके अब की बार अपन को क्या करना है, अपनी कमर को इस तरह से मूव करना है 1, 2. ओके सो मैं क्या कर रहा हूं, अपनी कमर को रोल रोल. ओके राइट लेफ्ट. ओके सो 1, 2 इस तरह से अपनी कमर मूव होगी इसमें आपके बार 1, 2. सो जैसे अपन ने खत्म करा 1, 2 एंड 3, देन यहीं से वापस से अपने राइट वाले को स्टेप, कमर को मूव करेंगे साथ में 1, देन फिर लेफ्ट के साथ 2. ओके सो ये हो गया 1 और 2 एंड फिर 3 और 4 में अपन क्या करने, अपने राइट वाले लेग को इस तरह से अप एंड अप उठाने. ओके एंड इसी के साथ अपनी बॉडी को थोड़ा सा टर्न कर लेना लेफ्ट साइड में. ओके सो जैसे अपन ने खत्म करा 1, 2 एंड फिर 3, 4. ठीक है समझ में. सो अपन 3 एंड 4 में अप किया अपन ने अपने राइट वाले को, देन इसे अपन क्या करेंगे, अपने राइट वाले को क्रॉस में स्टेप करेंगे. ओके सो ये हो गया 3, 4 क्रॉस में स्टेप. ठीक है यहां तक आई समझ में. अब इसके साथ देखो अपन को अपने हैंड्स किस तरह से मूव करने. ठीक है सो लास्ट अपन ने अपने हैंड्स खत्म करे, लास्ट यहां से अपन ने अपने हैंड्स मूव करे 1, 2, 3, देन इसे अपन ने क्या किया राइट एंड लेफ्ट. ओके इस तरह से बॉडी को मूव किया, राइट वाले लेग को एंड लेफ्ट वाले लेग को मूव किया एंड इसके साथ अपन क्या करने, अपने हैंड्स को इस तरह से मूव करने 1, 2. ओके सो मैं अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से पास में ले आए दोनों हैंड्स को. ओके एंड अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से मूव करा 1 एंड 2. ओके अपनी कमर के पास से इस तरह से स्लाइड करके अप लाने अपने दोनों हैंड्स को 1 राइट साइड से पास फिर लेफ्ट साइड से 2. ओके सो जैसे अपन ने लास्ट खत्म करा यहां पे, देन इसे 1, 2 एंड 3 खत्म करा था, देन इसे 1 एंड 2. ओके समझ में. देन फिर यहीं से अपन क्या करने, अपने दोनों हैंड्स को इस तरह से रोल एंड रोल करना है. ओके सो अपन राइट साइड से लेफ्ट साइड में इस तरह से रोल एंड रोल करेंगे, रोल एंड रोल इस तरह से. ओके एंड इसी के साथ अपन ने क्या किया था, अपने राइट वाले अप एंड अप करना है. ओके सो जैसे अपन ने खत्म करा लास्ट यहां से 1, 2 एंड 3, देन इसे 1 एंड 2, देन फिर इसे 1 एंड 2. ओके तो मैं अपन ने यहां खत्म करा, देन इसे अपने राइट वाले को अपन क्रॉस में स्टेप किया एंड स्टेप करते हैं अपन को क्या करना है, अपन को रोल करना है इस तरह से रोल. ओके एंड अपन को कंटिन्यू रोल करते रहना है, वहां पे थोड़ा सा म्यूजिक आता है उस म्यूजिक पे अपन को रोल करना है. ओके एंड रोल के साथ अपन क्या करेंगे, अपने दोनों हैंड्स की पोजीशन कुछ इस तरह से आएगी. ओके सो जब अपन रोल करेंगे तो अपने राइट वाले हैंड को अपने हेड पे इस तरह से लेंगे, अपने लेफ्ट वाले हैंड को इस तरह से ओपन कर लेंगे लेफ्ट साइड. ओके सो ये स्टेप इस तरह से हो जाएगा, जैसे अपन ने खत्म करा लास्ट यहां पे, देन इसे राइट लेफ्ट
एंड राइट, देन यू से राइट एंड लेफ्ट, देन यू से अप अप क्रॉस एंड रोल रोल, एंड यहीं पे वो डांस खत्म हो जाता है। ठीक है गाइस, समझ में आया? ओके, अब चलिए एक बार अपन करते हैं इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक एकदम स्लो आराम से स्टेप बाय स्टेप। ओके चलिए करते हैं, 5 6 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5, देन इसे 1 2 3 4 5 में रो, देन इसे 1 2, सॉरी गाइस एक स्टेप अपने मिस कर दिया। ओके फिर से करें एक बार, चलिए फिर से करते हैं। ओके चलिए 5 6 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5, देन इसे 1 2 3 4 एंड 5 में रोल, एंड रोल करने के बाद अपन को ये करना है फर्स्ट, हाँ देन फिर ये करना है 1 2 3 एंड लेफ्ट वाले को क्लोज, देन इसे 1 and 2 3 and 4, थोड़ा सा पीछे हो जाता हूं। ओके 4 किया अपने, देन इसे रोल करके अप, देन फिर इसके बाद 1 2 and 3, देन राइट लेफ्ट एंड अप अप क्रॉस रोल रोल, एंड ये तो डांस खत्म हो जाता है। ठीक है गाइस समझ में आया, अब चलिए एक और बार अपन करते हैं, बट अब की बार अपन करते हैं इसको म्यूजिक के अकॉर्डिंग, काउंट्स में थोड़ा सा फास्ट होगा, ट्राई करते हैं। ओके चलिए 5 6 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हा हा रोल एंड हा, 1 2 3 रोल हा एंड अप, देन यू से 1 2 3 1 2 एंड रोल रोल क्रॉस रोल एंड रोल। ठीक है गाइस इस तरह से स्टेप्स होंगे म्यूजिक पे। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर आपको मेरा वीडियो देखना है इसी पे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी @mysupinger जिसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके सो जाइए और चेक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।